अस्सलाम वालेकुम जी। जी ये मैंने सीडलेस लेमन लगाया हुआ है, 3 एकड़ लगाया मैंने अभी, फर्स्ट 3 एकड़ जो है, तो इंशाल्लाह ताला आगे भी लगाने का प्रोग्राम है, लेकिन मैं इसको देखूंगा अभी रिज़ल्ट। इसका साइज़ जो है, जैसा कि मुझे बताया गया और मैंने देखा भी है, वो काफ़ी बड़ा है दूसरे लेमन से, और है भी सीडलेस, इसमें सीड है भी नहीं, और इसकी ग्रोथ अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट जा रही है, एक्सीलेंट है, आप देख सकते हैं। इसको जी अभी 2 मंथ हुए हैं। हाँ, ये पौधा जितना छोटा हो ना जी, उतना अच्छा सर्वाइव करता है। आप सर इसको अज्यूम कर दिखाएं, ये जो पौधा है इसने कितने पत्ते निकाले हुए हैं और ये कितना बेस्ट है, और जिसकी हाइट ज़्यादा है आई थिंक वो इतना जल्दी सर्वाइव नहीं कर रहा, इतना जल्दी ग्रोथ नहीं कर रहा जितना ये कर रहा है। ठीक है जी, ज़मीन थोड़ी सी गिल्ली है जी, उस साइड से होकर चलते हैं। और ये जनाब 400 पौधे लगे हुए हैं 1 एकड़ में, 10 बाई 10 पे लगा हुआ है। ठीक है, इसके अंदर से ट्रैक्टर भी गुजर सकता है, इसके अंदर कोई चीज़ आप लगाना चाहें, गर्मी सर्दी में आप लगा भी सकते हैं, जो कि जैसा कि हमने बरसीन बीजा हुआ है इसमें, और जी बेहतरीन है। और फ्रूट की तरह से बात, फ्रूट सर जो मुझे बताया गया है वो ये है कि अभी आफ्टर एंड 6 मंथ, यानी कि सर्दियाँ गुजर जाएंगी ना, 2 माह हो गए और 4 माह अभी बाकी, जो सर्दियाँ गुजरेंगी जैसे मार्च आएगा, तो तब इसका फ्लावर जो है बाहर के मौसम में इंशाल्लाह ये निकालेगा, और इसके ऊपर जो है वो अब फूल बनना शुरू हो जाएंगे, और ये फ्रूट आस्ता आस्ता लेना फर्स्ट ईयर का शुरू कर देगा। और इसकी कोई निशानी भी होगी, पता आइडिया है कि इसको चेक करना हो ये सीडलेस है या नहीं है? वो तो सर काट के देखा जा सकता है कि ये सीडलेस है या नहीं। वैसे भी जो प्लांट है, जैसे इसमें मुझे तो इतना नहीं एक्सपीरियंस के प्लांट देख के या इसके लीव देख के बताया जा सके कि ये है या नहीं है, लेकिन जो हमने लगाया है वो यही बताया गया कि ये सीडलेस ही है, मैक्सिकन वैरायटी है ये। इसमें और भी वैरायटीज हैं सीडलेस में? मेरे ख्याल में वैरायटी एक ही है सीडलेस, लेकिन उसके नाम ही है मैक्सिकन है, मलेशियन है, ठीक है, जो भी जो उसके आप कह रहे हैं, लेकिन ये है सीडलेस, इसमें सीड नहीं है। ठीक है जी। और कितने एकड़ आप कह रहे हैं कि आपने लगाया? 3 एकड़ लगाया जी हमने, अभी लगा दिया, शिफ्ट कर दिया आपके सामने है। सारे आपने जो लगाया है वो एक ही डेट को लगाया, मतलब 1 महीने में लगाए हैं आपने? नहीं, 2 डेट में लगाए थे, ये 2 एकड़ इकट्ठे लगाए थे, 1 एकड़ जो है वो थोड़ा बाद में लगाया था। और आप क्या कह रहे हैं कितने इससे बाद फ्रूट आ जाते? ये 1 साल के बाद आएगा, जब से नर्सरी इंक्लूड करके, जब से इसकी नर्सरी बनी है तब से लेके 1 साल के बाद। तो ये जो 1 साल के बाद फ्रूट देगा, तो उस तक, उस वक्त तक इस पे क्या कोई खादें क्या देनी है, खर्चा क्या इस पे आता है वो अगर आपके? इसको सर स्प्रे हो सके तो करनी चाहिए 15 दिन बाद, हम कर रहे हैं। कौन सी? थायफ्रेंड मिथाइल हम कर रहे हैं, टॉपसन हम। इसमें भी फंगस की प्रॉब्लम है? हाँ, फंगस की प्रॉब्लम नहीं है सर, कीड़ा भूडे इसमें जो दूसरी है ना, हमें बताया गया है, एक दोस्त ने बताया जिसने लगाए हुए हैं, उसने कहा था आप इसको स्टार्टिंग में वो करें, उसके बाद वो हमें गाइड करें कौन स्प्रे करनी है, इसलिए हमने फर्स्ट टाइम लगाया है, हमें भी इतना पता नहीं कि कौन स्प्रे करनी है, लेकिन वो जब से हमने की है तब से इसकी हालत थोड़ी सी अच्छी है। और खादें कौन सी देनी चाहिए इसको? डी आर पी हमने दी है इसको, वो पोटाश देनी चाहिए जब इसके फ्लावर आ जाएं, तब पहले नहीं देनी चाहिए। दे सके तो देनी चाहिए, लेकिन 15-20 दाने 15-20 दाने और DAP है ना, वो हम इसके अराउंड कर देते हैं, फेंक देते हैं। मतलब पूरे खेत को आप नहीं देते? खेत को भी आ जाती है, इसके अंदर हमने जो डाला हुआ है ना, ये बीजा हुआ है ये बरसीन, इसको जब देते हैं तो ऑटोमेटिक इसको आ जाती है। और ये इसको यूरिया से, मतलब यूरिया से बचाना चाहिए, यूरिया देने कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको? यूरिया से पता है इसकी हाइट जो है वो उसमें? हाँ, हाइट इसकी ज़्यादा हो जाती है और उसमें नाइट्रोजन ज़्यादा होती है, इसलिए इसको हम वो नहीं दे रहे, हम इसको DAP जस्ट दे रहे हैं। DAP और 15-20 दाने और नाइट्रोफास भी हम इसको दे रहे हैं, लेकिन DAP ज़्यादा दे रहे हैं हम इसको। ठीक हो गया। और पानी कितने अर्से बाद लगाते? पानी सर इसको जब भी चाहिए हम देते हैं, और इसको गोडी करते हैं, 8 दिन बाद गोडी की जरूरत है इसको, जितना मतलब ये प्लो ज्यादा होगा। ये जो आपने लगाया है आप साथ में फसल भी ले रहे हैं, साथ में मतलब इतने आप इस पे एफर्ट नहीं कर रहे जिस तरह पपीते पे की जाती है? नहीं नहीं नहीं, इतनी एफर्ट है नहीं, इसकी एफर्ट है ही नहीं है, 0 एफर्ट है। और इसकी बीमारियां मेरे ख्याल से कम आती है कंपेयर? बिल्कुल बीमारियां कम होती है, बीमारियां इसको ना आने के बराबर है। इसकी ग्रोथ जो है ना, जब ज्यादा ये कोरा पड़ता है तब थोड़ी सी स्टिल हो जाती है, उसके बाद ग्रोथ भी इसकी ठीक है। और अभी हमने लगाया जैसे 2 माह पहले, तो उसकी ग्रोथ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है, पत्ते इसने बहुत ज्यादा निकाले। इसको कोरे से बचाने के लिए कुछ आपने करना है या ऐसे ही रखना है? जी फुटान है स्प्रे, वो इंशाल्लाह हम करेंगे, ताकि इसका टेम्परेचर जो प्लांट का, नहीं इसके ऊपर हम कुछ नहीं डालेंगे। वैसे हो जावे तो बुरी बात, ये अल्लाह का सुपुर्द है, हो जावे तो कोई बुरी बात नहीं, ना होवे तो कोई, ताँ भी अल्लाह भरोसे। ठीक हो गया जी। और ये आप तकरीबन एंड तक इसमें से फसल भी लेते रहेंगे जो भी आपने काज करने? जी इंशाल्लाह, हमारा यही प्लान है कि इसमें से फसल भी हम लेते रहेंगे, और
लेमन भी लेते रहेंगे, बसर ला लो, मिर्च ला लो, जब थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ना उस टाइम हम देखेंगे इसके अंदर और क्या लगाना चाहिए, उस टाइम हम डिसाइड करेंगे। अभी तो ये रवायती फसलें हम इसके अंदर बीज रहे हैं, इसलिए छोटा है बिल्कुल अभी, इसने कोई जमीन घेरी नहीं हुई अभी तक। ये आपने जब पौधे लिए थे कितने इनके हाइट थी, कितने फीट? इसकी हाइट सर फुट से डेढ़ फीट थी उस टाइम, एक फुट थी तकरीबन, अराउंड एक फुट, फुट सवा फुट और डेढ़ फुट भी थी कुछ। येलो हो रही है, ये पहले से थी या नहीं? ये मौसम का होता थोड़ा सा, जैसे अभी सर्दी पड़ रही है इसलिए। सही हो गया जी, जी ठीक है। उमर दराज साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपने जो भी। बाकी सर अंदर देखें प्लांट्स बहुत अच्छे ग्रोथ कर रहे हैं। अच्छा, ये तो बाहर वाली लाइन है और थोड़ा सा मैं थोड़ा ज़ूम इसको, हाँ नजर आ रहा है ये वो प्लांट। देसी नींबू है जी, देसी पुराने देसी नींबू वो सामने, एक नालो अनार है, चार मोटे जड़े आड़ू ने, वो मिठा है वो पौधे होने। अच्छा अच्छा ठीक है। उमर दराज भाई कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? जी मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ, ये मैं यही देना चाहूँगा कि आप सीडलेस लेमन लगाएं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं है, इसकी मार्केट नहीं है। ठीक है, चाइनीज़ लेमन की मार्केट है, लेकिन नहीं, इसमें कोई भी रियल्टी नहीं है, नॉट एट ऑल। आप ये लगाएं, ठीक है, मेरा रब्ता भी हुआ है मार्केट्स में और मुझे दोस्तों ने बताया जिन्होंने लगाया हुआ है कि इसका रेट भी अच्छा है मार्केट में, उसकी उससे अगर कंपेयर करें चाइनीज़ से तो बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। और इसको आप ट्राई करें, जो भी नई चीज़ है वो हमें फार्मर्स को लगानी चाहिए और हमें इंशाल्लाह ताला इसमें हमें वो आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। हाई ब्रेड है, इसमें बी भी नहीं होता, कंडा भी नहीं होता, सीडलेस जी जी। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी वेलकम सर, किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। थैंक यू, वेलकम।